उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब जनपदों में देखने को मिल रहा है। चंदौली जनपद के कई ऐसे शहर हैं जहां हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सैयद राजा बाजार के उत्तरी बाजार में, जहां लोगों को बिजली पानी की दिक्कत हो रही है। हम लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ बातें करेंगे कि किस तरह से समस्या आखिर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन कहीं कहीं लाइन को दुरुस्त कराकर फीडर को चालू कराया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली बिल्कुल शून्य है। लोग परेशान हैं और हैरान हैं। बोर्ड परीक्षा भी है, लेकिन किसी के अधिकारियों के और बिजली कर्मचारियों के जू तक नहीं रेंग रहे हैं। जानना चाहेंगे, लोगों से बातें करेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि बिजली की हालात कैसे है। जी, अपना नाम और परिचय बताएं। मकबूल आलम अंसारी, सैयद राजा। मकबूल जी, क्या समस्या आ रही है? बिजली कितने घंटों से नहीं है आपके यहाँ? लगभग 3 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और समस्या तो बहुत ज़्यादा है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई पानी सब कुछ बंद है। जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनकी परीक्षाएं पता नहीं कैसे होगी, अब क्या बतलाया जाए। लेकिन बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है बिजली को लेकर के, आपने कॉल किया है, क्या हुआ उसमें? उसमें कोई भी कॉल उठाया नहीं और उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। पानी की क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद कैस है। क्या समस्या आ रही है बिजली को लेकर के? बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग रोज़ कुआं खोदने वाले हैं, रोज़ पानी पीने वाले हैं, हम लोग फेरी करने वाले हैं। अब फेरी हम लोगों की बैटरी से होती है। बैटरी तब हम लोगों को चार्जिंग मिलेगी जब लाइट रहेगा। जब लाइट की समस्या इतनी समथिंग ख़राब है तो ना बैटरी चार्ज हो पा रही है, ना हम लोग फेरी जा पा रहे हैं। और इस तरह हम लोग कब तक बैठ के खाएँगे और कैसे? यहाँ इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि ना सारा बैटरी मिल रही है, ना पानी की समस्या है, और घर में हर जगह समस्या। लाइन आज तक ऐसा सिचुएशन कि बिना लाइट का कोई काम नहीं होता। आज आदमी का जीवन जो है वो लाइट पर आधारित है। हर जगह हर चीज़ लाइट से ही हो रही है। जब लाइट की समस्या 72 घंटे से लगभग कटी पड़ी है, 72 घंटे में आदमी को कितनी समस्या हो रही है आप सब समझ सकते हैं। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी अंधेरे में रहे या फिर अंजोरे में। जिसके पास भी व्यवस्था है वो मजे मार रहा है। क्या समस्या है भैया, क्या नाम हुआ? नाम मनोज कुमार है, हम राजमिस्त्री हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि लाइट की वजह से हम लोग का काम बंद है। पानी नहीं आ रहा, काम नहीं लग रहा है हम लोग का। लाइट जो तो बहुत देरी से कटा हुआ है, 3 दिन से लाइटें नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है। काम भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, इसमें काम की बहुत समस्या चल रहा है हम लोग का। चाचा, क्या समस्या है? लाइट न आने से जो है सारी व्यवस्था जो है भंग हो गई है। हर चीज़ लाइट पर ही डिपेंड है। कितने घंटों से लाइट नहीं है? 72 घंटे करीब करीब हो गया लाइट आ जाए हैं। और कुछ जगहों पर लाइट है, कुछ जगहों पर लाइट नहीं है। ऐसी व्यवस्था जो है तो प्रशासन क्यों कर रही है? तो यहाँ पे लोगों की ये समस्याएं है कि कुछ जगहों पे सैयद राजा में लाइट है, जबकि कुछ जगहों पे यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट मिले तो भरपूर सबको मिले।